खा रहे हैं, आज हमारा लाइफ स्टाइल बदल चुका है, हम ज्यादातर बैठ के काम करने लग गए हैं, जिसके वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है दोस्तों। तो इसके कारण क्या होता है, आपके शरीर में, आपके ब्लड में जब भी शुगर की मात्रा बढ़ती है तो आपके पाचन में एक ग्लैंड होता है पैनक्रियाज दोस्तों, पैनक्रियाज एक इंसुलिन निकालता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब पूरा लाइफ स्टाइल आपका बिगड़ जाता है, आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो जाता है दोस्तों, तो फिर वो शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है और इंसुलिन उस मात्रा में निकल नहीं पाता है, इसीलिए वो डायबिटीज हो जाता है दोस्तों, जिसको हम टाइप 2 बोलते हैं। इंसुलिन का प्रोडक्शन बचपन से ही नहीं होता है तो बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो डाइगोडॉक रस जो होता है दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसमें करेला जो होता है दोस्तों, ये आपके पाचन में फाइबर की मात्रा, जिनको होता है ज्यादातर मोटे हो जाते हैं, पाचन बिगड़ जाता है, कब्ज हो जाता है दोस्तों, उनको बाउल मूवमेंट जो फ्रेश होने जाते हैं तो बहुत समय लगता है। तो करेला जो होता है दोस्तों आपके शुगर को नॉर्मल रखेगा और जो भी आपका जो कब्ज वगैरह से रिलेटेड समस्या है उसको कंट्रोल करेगा। जामुन रस जो होता है दोस्तों, ये डायबिटीज लोगों को ऐसा होता है कि उनको बार बार यूरिन के लिए जाना होता है, उनको भूख बहुत लगता है, तो जामुन जो होता है उनके पास जो भी एनर्जी, जो भी स्टार्च होता है उसी से ऊर्जा बना देता है ताकि उनको भूख कम लगे और जो उनके रक्त में जो शुगर की मात्रा बढ़ती रहती है उसको भी कंट्रोल करने का काम जामुन रस करता है, और जो उनको बार बार यूरिनेशन होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम जामुन रस करता है। गुवार पाठा दोस्तों यानी एलोवेरा और गुर्म त्रिफला, ये उनके पाचन को अच्छा रखता है, उनके लिपिड प्रोफाइल को, उनके मेटाबॉलिज्म को दोस्तों। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब आप भोजन करेंगे दोस्तों तो आपका भोजन का जब पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वहां से पूरी ऊर्जा तक की जो एक प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म दोस्तों, तो उनके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। और गुरमार दोस्तों, ये गुरमार यानी मीठे को मारना, अब ऐसा कोई काम वो नहीं करता एक्चुअली में, वो काम क्या करता है कि हमारे शरीर में जो हमारा पैनक्रियाज होता है दोस्तों, जो इंसुलिन को निकालता है, उस पैनक्रियाज के सेल्स को एक्टिवेट करता है कि और इंसुलिन अच्छे से निकाले और डायबिटीज की जो समस्या हो वो कम हो दोस्तों। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा अपना जो प्रोडक्ट है दोस्तों, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, 25 से 30 ml, दिन में 2 बार हमें खाने से 1 घंटा पहले लेना होता है। और दोस्तों आपको